आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित सीएम योगी ने अब यूपी में 2024 की कमान को भी अपने हाथ में लेने का मन बना लिया है। हैदराबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में योगी अब उत्तर प्रदेश की 75 से अधिक लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने का एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। योगी के इस मेगा प्लान के कारण बीजेपी संगठन में एक बड़ा मंथन शुरू हो गया है। 2019 में उत्तर प्रदेश की 63 लोकसभा सीटों को जीतने वाली बीजेपी ने इस बार प्रदेश में 75 से अधिक सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। प्लान साफ है कि उन तमाम इलाकों में जीत हासिल की जाए जिन्हें अब तक किसी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। योगी ने इस प्लान के लिए प्रदेश के उन इलाकों पर ज्यादा फोकस करने पर जोर दिया है जिन पर अब तक गैर बीजेपी दलों की जीत होती रही है। इन सीटों पर संगठन को और मजबूत करने, स्थानीय नेताओं की सिफारिशों पर अधिक काम कराने, पुलिस व्यवस्था और कानून के राज को दुरुस्त रखने और विकास योजना में इन जिलों को तरजीह देने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा इन इलाकों में विपक्ष के उन लोगों को भी बीजेपी में लाने की योजना बनाई जा रही है जो अब तक भाजपा के विपक्षियों के किंग मेकर रहे हैं। संगठन स्तर पर कई कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया जा रहा है जिन्हें आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर उतारा जाएगा। योगी के इस पूरे प्लान के लिए उनका प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाए उनकी कोशिश यही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की कार्य समिति बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद पर बीजेपी किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी दे सकती है। योगी की कोशिश है कि उनका कोई अपना नेता उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए जिससे कि 2024 के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। फिलहाल योगी के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस पद पर हैं, लेकिन सरकार में मंत्री बनने के बाद उनकी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। दूसरे बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद की व्यवस्था है, ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को हटाना तय है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कार्य समिति की बैठक के तुरंत बाद हो जाएगी। एक बड़ी बात और भी है कि संगठन महामंत्री सुनील बंसल यहां से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। योगी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में 75 से अधिक सीटें जीतकर एनडीए के गठबंधन को इतना मजबूत कर दिया जाए कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता का रास्ता कोई और ना रोक पाए। उत्तर प्रदेश हमेशा से देश के प्रधानमंत्री का गेटवे रहा है। योगी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी योगी के नेतृत्व में ही जमीन पर उतारी जाएगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।